नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एंड अदर एग्जाम चैनल पे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2016 में विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक की जो वैकेंसी निकाली गई थी 664 पदों पर, उसका एडमिट कार्ड और परीक्षा तिथि घोषित हो गई है। तो इसके बारे में जो न्यूज आई है मैं आपको चल रहा हूँ दिखाने। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, ना पसंद आए डिसलाइक करें। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और लगातार नए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञप्ति दी गई है जो 22 नवंबर 2018 को दी गई है, यानी कि आज आई है यह विज्ञप्ति। ठीक है दोस्तों, अगर आप सबको जानकारी पहुंच गई हो तो अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं गई है तो आप इससे जानकारी से लाभान्वित होंगे। हमें ऐसी आशा है आप भी इसका लाभ उठाएंगे और अपना एडमिट कार्ड निकालेंगे। और देखिए पूरी न्यूज़ क्या, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और एक एक करके बताता चलूँगा। देखिए इसमें लिखा गया है कि आपकी जो वैकेंसी थी 2016 की, यह काफ़ी दिनों से लटकी पड़ी थी और इसमें विधान भवन रक्षक और वन रक्षक सामान्य चयन परीक्षा कराई जानी है, जिसमें से आप सभी के लिए विधान भवन रक्षा की जो पोस्टें हैं वो 44 पोस्टें हैं तथा वन रक्षा के जो पदे हैं वह 620 है, यानी कि टोटल आपको मिला के 664 पदों पर यह परीक्षा कराई जानी है। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा जा रहा है कि 17 अक्टूबर 2018 का यह कृपया ग्रहण करने का कष्ट करें, ये आपका विज्ञापन के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए इसमें लिखा है कि सभी को सूचित किया जाता है कि विधान भवन रक्षक वन रक्षक सामान्य चयन प्रतियोगी परीक्षा 2016 के पदों पर चयन हेतु इसमें इन्होंने लिखित परीक्षा के लिए 16 जनपद आवंटित किए, यानी कि 16 जगहों पर यह परीक्षा कराई जाएगी 16 जिलों में, जिसमें से आपका आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, प्रयागराज, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ इसका सहारनपुर, मुरादाबाद, मथुरा, कानपुर नगर, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये सब जिले दिए गए हैं। ठीक है, जिसकी आपकी परीक्षा की तिथि बताई जा रही है 2 दिसंबर को कराई जाएगी, रविवार को। ठीक है, और इसमें आपको 2 दिसंबर को परीक्षा जो होगी, इसमें 2 शिफ्टों में आपकी परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, इसमें देखिए आपको पहले शिफ्ट में जो आपका 242,006 अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे प्रथम पाली में, जो आपका चलेगा 10 बजे से 12 बजे के बीच में, और सेकंड पाली में आपका भी 242,006 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे, जिसमें से आपका परीक्षा चलेगी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठीक है दोस्तों, तो हाँ दोस्तों एक बात और, अगर आप एग्ज़ाम दे आएंगे तो इस पर आपको आंसर की मिल जाएगी इस वीडियो की। ठीक है, और अगर आपकी और जानकारी होगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा दोस्तों। और आपको बता दूँ आज से ये चालू हो गई, यानी 22 तारीख से आपका यह लिंक एक्टिवेट हो गया है और आप एडमिट कार्ड आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, ना पसंद आए डिसलाइक करें, साथ साथ अपने दोस्तों भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो साथ, धन्यवाद।